अभाव में कई हितग्राही रहे मच्छरदानी से वंचित। आयोजकों की अनदेखी के कारण मच्छरदानी वितरण आयोजन फ्लॉप। केंद्र सरकार कई योजनाएं लागू कर हितग्राहियों को लाभ देने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को कैसे मिले, इसके लिए जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण आयोजन अपनी छाप नहीं छोड़ पाता, जिसका नतीजा यह रहता है कि आखिर हितग्राही तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसा एक मामला बड़वा स्वास्थ्य विभाग का सामने आया है। मलेरिया एवं डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए मच्छरदानी वितरण की गई। यह वितरण कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। इसके लिए बड़वा के शासकीय अस्पताल परिसर में 18 केंद्र बनाए गए, जबकि यह वितरण कार्य केवल वार्डों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वार्डवासियों को वितरण करना चाहिए था। वार्डवासियों को बिना लाइन में लगे इस मच्छरदानी का वितरण का लाभ मिल सकता था। इस संबंध में वीएमओ विक्रम सिंह चौहान ने महिला बाल विकास अधिकारी अनिल जैन से चर्चा की थी। उसका संतुष्ट जवाब अनिल जैन ने विक्रम सिंह चौहान को नहीं दिया। चौहान का यह भी कहना था कि मच्छरदानी वितरण कार्य आंगनवाड़ी केंद्र से होना चाहिए, जिसके चलते अस्पताल परिसर में मच्छरदानी वितरण का कार्य किए गए। स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी के सहायक और कार्यकर्ताओं की मदद से वार्ड अनुसार काउंटर बनाकर हितग्राहियों को मच्छरदानी वितरण की गई। इस दौरान केवल काउंटर में मौजूद कर्मचारियों को धूप से बचने के लिए टेंट लगाकर सुविधा दी गई थी। वहीं सैकड़ों वार्डवासी मच्छरदानी लेने के लिए तीखी धूप में खड़े नजर आए। इस दौरान कई महिलाएं जो अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में लाइन में खड़ी रहीं। शासन के आदेश अनुसार प्रत्येक राशन कार्ड पर अंकित सदस्यों के अनुसार मच्छरदानी का वितरण होना है, जिसका लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों से वार्डवासियों को एक टोकन भी दिया गया। लेकिन जब काउंटर पर जाकर हितग्राही से राशन कार्ड दिखाकर मच्छरदानी की मांग की गई तो पता चला कि पहले टोकन दिखाओ, जबकि यहां से कई हितग्राही सामने नजर आए जिनको इस टोकन की कोई भी जानकारी नहीं थी। यह इसलिए कि कई वार्डवासियों को आंगनवाड़ी के जिम्मेदारों ने टोकन नहीं दिया था। हालांकि ये वितरण कार्य लगभग 3 दिवसीय होना बताया जा रहा है। बोला कौन सा वार्ड है अपना?